उस पे आ जाते हैं। मैंने कहा कि आज कुछ आलमी मामला डिस्कस कर लें कि जो आने वाला साल है वो जो इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ पे जिन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं और तनाज़ात खड़े हो सकते हैं उस पे बात कर ली जाए। ठीक है तो सर जैसे अफगानिस्तान का मसला है, इंडिया का है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, अमेरिका, चाइना, तो ये सारे मामला मैंने कहा आज आपसे इस पे राय ली चलो जाए। एक मुख्तसर किस्म की ब्रीफिंग हो जाए इसमें। बिल्कुल, तो सर बताएं कहाँ से फिर शुरू किया जाए। हम नेबरहुड से शुरू करें, इंडिया, अफगानिस्तान, फिर थोड़ा ईरान की तरफ चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, और फिर चाइना और अमेरिका भी डिस्कस कर लें बिकॉज हमारे तल्लुकात हैं उनके साथ और जहाँ वहाँ जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है उनके आपस में दरमियान, और फिर हमारे साथ उनके रिश्ते, तो ये इस किस्म की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक आध और इश्यूज हैं वो भी कर लेते हैं। अच्छा सर चलें, इंडिया से आपने कहा तो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं और 23 मई को ये कंक्लूड हो जाएंगे, फाइनल इसका राउंड हो जाएगा। तो सर इलेक्शन में मोदी साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं वापस तो फिर पाकिस्तान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, और कश्मीर का जो मसला है वो कहाँ पर खड़ा आप देख रहे हैं? देखिए इंडिया के इलेक्शंस में इंडिया की कोई तादाद है कोई 1.36 बिलियन, उसमें से 900 मिलियन माने 90 करोड़ उनके वोटर्स हैं, उसमें से 65% वोटर जो है वो रजिस्टर्ड वोटिंग के लिए टर्नआउट होता है, उसका बहुत हाई टर्नआउट होता है। हमारे यहाँ तो 40-45% टर्नआउट होता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है, मगर 35 भी हुआ है हमारी इलेक्शंस में, 33 भी हुआ है हमारी इलेक्शंस में। इंडिया के अंदर जो उनकी जमहूरियत की स्ट्रेंथ है ना वो यही है कि एक तो रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं उनकी परसेंटेज, हमारे यहाँ कोई 200 मिलियन 20-22 करोड़ से मेरा ख्याल है 10-11 करोड़ के करीब जो रजिस्टर्ड वोटर है, और उसमें से भी 40-45% वोट करते हैं, उनके यहाँ 65% और वोटिंग टर्नआउट होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, इसलिए ये 11 अप्रैल से 23 मई तक चलती है, ठीक, और मुख्तलिफ फेजेस में होती है। वो उन्होंने 7 फेजेस, फेज़ 1 फेज़ 2 उन्होंने मार्क कर लिया कि इन रियासतों में स्टेट्स के अंदर पहले होंगे, फिर इधर होंगे, फिर इधर होंगे, वगैरह वगैरह, इसलिए जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते और अगर नैरो फाइट होती है तो उस वक्त तक पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा। अभी तक जो सो फार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो फेज़ 1 ख़त्म हुआ है उनका भी, और इसी फेज़ 1 फेज़ 2 दो फेज ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो पोलिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अगली गवर्नमेंट भी वही बनाएंगे। अच्छा, इसमें बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि कुछ थोड़ी बहुत फॉल्स रिपोर्टिंग भी हुई है, एक आध फेक न्यूज़ भी चली थी पहले कि कांग्रेस जीत रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर लगता ऐसे ही है कि नरेंद्र मोदी ही जीतेगा। तो पहली बात तो ये हुई, दूसरी बात ये मेरा ख्याल है हमारे इस्टेब्लिशमेंट का भी यही असेसमेंट है कि नरेंद्र मोदी जीतेगा, इसीलिए अभी से जब भी एस्केलेशन नरेंद्र मोदी ने करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से उसको ज़रा बड़ी डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया गया कि एस्केलेट ना हो, तो मेरा ख्याल है वो एस्केलेटरी पोजिशन तो ख़त्म हो गई अब, क्योंकि इलेक्शन शुरू हो गए वहाँ। इलेक्शन के बाद अगर नरेंद्र मोदी आया तो क्या करेगा, क्या किस किस्म के तल्लुकात होंगे पाकिस्तान के साथ? मेरा ख्याल है कि यहाँ एक असेसमेंट है कि शायद बेहतरी की तरफ जाएं, बनिस्बत उसके जो कि अभी हाल ही में पिछले 3-4 साल में रहे। अच्छा, इसके बारे में 2-3 इश्यूज़ हैं। जब मियां नवाज शरीफ आए थे तो उस वक्त भी यही ख्याल था मियां नवाज शरीफ साहब का कि नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे तल्लुकात होंगे, और शुरू में आपने देखा वो उनकी इनॉग्रेशन पे भी गए, उसके बाद और भी मीटिंग्स हुई, और मगर फिर हालात ख़राब हो गए बिकॉज हमारी तरफ से कुछ प्री कंडीशंस लगनी शुरू हो गई और फिर हालात ठीक नहीं रहे। कश्मीर में भी एक अपराइजिंग चल रही है, जितनी वो ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात के अंदर कशीदगी पैदा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर कोशिश होगी बेहतरी की तरफ, उसकी एक दो निशानियाँ अभी आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने फाइनली चीन को ग्रीन लाइट दे दी है कि मसूद अज़हर को जो बैन करने जा रही है यूएन, वो पाकिस्तान ने ग्रीन लाइट दे दी है। 2008 से हम रोक रहे हैं ये, मगर अब मेरा ख्याल है हमने ग्रीन लाइट दे दी है और आज या कल में ये फैसला आ जाएगा कि मसूद अज़हर जो हैं वो बैन हो जाएंगे। इंडिया की ये बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी, 2-3 और डिमांड्स हैं मगर ये बड़ी एक अहम डिमांड थी जिसका ताल्लुक अभी पुलवामा से था।
अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ये अब जब मसूद अज़हर बैन हो जाएंगे तो ये एक और हमारे हक में एक ये बात आएगी कि हमने रुकावट नहीं क्रिएट की और हम तस्लीम करते हैं कि ये जिहादी तंजीमों के जो लोग हैं इन्होंने हमारे लिए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने ये कह दिया है चीन को और इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस भी ये बात मान गए हैं कि पुलवामा को लिंक नहीं करना मसूद अज़हर के साथ। ठीक, तो अभी जो भी फैसला आएगा उस पर, क्योंकि इंडिया तो कह रहा था ना कि पुलवामा मसूद अज़हर ने करवाया है तो वो लिंक करना चाह रहे थे, तो हमने ये कहा कि ये लिंक नहीं होनी चाहिए, तो ये लिंक नहीं होगी। मगर कल ही आपने देखा SVR की तरफ से ये बयान भी आ गया कि अब ऑर्गेनाइज कोई टेररिस्ट ग्रुप्स हम यहाँ नहीं रखेंगे और उन्होंने जिहादी तंजीमों के बारे में भी बात की। तो मेरा ख्याल है यहाँ एक तब्दीली आ रही है पाकिस्तान के अंदर जिसकी, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ये आयन मुमकिन है, आयन मुमकिन है कि जब नरेंद्र मोदी आए तो इमरान खान साहब और मोदी साहब ये फिर से एक दफ़ा शुरू करें डायलॉग शुरू करें जिसमें ये कश्मीर कोर इशू नहीं, टेररिज्म भी अब इशू बन चुका है, कश्मीर भी इशू है और भी इशूज़ हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन हो जाए, स्पेशली तजारत बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये सारे रास्ते खुले हुए थे, ग्रीन लाइट हुई हुई थी और नरेंद्र मोदी ने आके तजारत की साइनिंग भी करनी थी एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान, मगर क्योंकि हालात एकदम ख़राब हो गए मियाँ साहब की हुकूमत के और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के, बिकॉज यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी उस वक्त, तो इसलिए अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी अच्छी वेलकम न्यूज़ है और बिल्कुल चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अब रिस्पॉन्ड करेगा इन अ पॉजिटिव मैनर। तो चांसेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस गेटिंग बेटर, अभी वीज़े बंद हुए हैं, ये वीज़ा रेजीम गेटिंग बेटर, ये इसके ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि काम ख़राब हो जाएगा। अलबत्ता काम ख़राब होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के साथ पंगा लिया, पंगा से मुराद ये है कि वो आर्टिकल 370 जो है अगर उसको रिमूव करने की कोशिश की जिसके तहत कश्मीर को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो फिर और भी वहाँ सिचुएशन कश्मीर में ख़राब हो जाएगी, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा सपोर्ट करने का, और हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट तो हमेशा हम करते ही रहे हैं, मगर फिर यही जिहादी तंजीमों के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, वहाँ भी ज़्यादा काउंटर फोर्स अटैक्स आएंगी, अगर ऐसे ही आएंगी तो वो फिर ये प्रॉब्लम बन सकता है कि इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे या वहाँ से कोई बम फाड़ दे, कोई बंदे मार दे वहाँ उनकी अपने तंजीमों में से, और वो सारा बोझ हमारे पे आ जाए, इंडिया कहे कि ये पाकिस्तान ने किया, या उनके तल्लुकात किसी जिहादी तंजीम के साथ जो अब तो हर बैंड है मगर फिर भी निकल आते हैं, पुराने तल्लुकात निकल आते हैं, फिर तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीर जो फ्लैश पॉइंट है इसी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का मसला डोमेस्टिकली कोई रास्ता ना निकाला तो फिर इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम भी तैयार हैं अमन के लिए, इंडिया भी तैयार है अमन के लिए, अगर इंडिया तैयार हो जाता है, मगर कश्मीर का मसला जो है वो काम ख़राब कर सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को चाहिए कि कश्मीरियों के साथ कोई समझौता किया जाए, वहाँ कोई बातचीत की जाए ताकि वहाँ की जो जिहाद है या जदोजहद है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ वो स्टेबल हो जाए वो जगह। जैसे कश्मीर स्टेबल होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात भी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक सर, अब अफगानिस्तान कर लेते हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया कि वो निकल रही है इसी साल के एंड में, तो अब तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बता दें कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, और अफगानिस्तान की आफ्टर जब वो निकल जाती है अमरीकी अफवाज तब क्या सूरत हाल होगी? देखिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और सारी रीजन के लिए, और पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद अमेरिका हुकाम ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ पूरा तावन चल रहा है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। असल में खालिदाज़ साहब तो कह ही रहे थे मगर अब एलिस वेल्स अभी होके गई है तो उन्होंने भी ये बयान दिया है कि अब हमारी पाकिस्तान के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, हम एक ही सफ़े पे हैं, हम दोनों चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, हम दोनों चाहते हैं कि अमेरिकन विड्रॉल जो है वो रातों रात ना हो, तरीके से हो ताकि केओस और क्राइसिस ना हो, हम चाहते हैं वहाँ ब्रॉड बेस यूनिटी गवर्नमेंट हो वहाँ ताकि ये सिविल वॉर वहाँ से ना शुरू हो जाए एक दफ़ा, और हम दोनों ये चाहते हैं कि तालिबान जो हैं ये सीज़ फायर अनाउंस करें, हम दोनों ये चाहते हैं कि तालिबान जो हैं अपनी जो बॉम्ब अटैक्स कर रहे हैं वो ख़त्म करें, हम दोनों ये चाहते हैं कि तालिबान जो हैं ब्रॉड बेस्ड अफगान सिविल सोसाइटी और स्टेट के जो रियासत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ तालिबान टॉक्स उनको इन्वॉल्व करें। तो ये
अब पाकिस्तान और अमेरिका एक ही सफ़े पे आ गए हैं। एक वक्त था कि अमेरिका हमें अक्यूज़ करता था कि आप तालिबान के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, हमारी बात नहीं सुनते, मगर अब अमेरिका ये बात तस्लीम करता है कि पाकिस्तान हमारी हेल्प, अमेरिका की हेल्प कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर मसला क्या है? अगर अगर ऐसे हो जाता है और अमेरिका वहाँ एक तरीके के साथ विड्रॉल करता है जिसमें कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होती, कोई बेइज्जती नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, कोई बंदे नहीं मारे जाते, ऐसे नहीं लगता जैसे वियतनाम से अमेरिका भागा था एक शिकस्त, ऐसे नहीं लगता, लगता ऐसे ही है कि एक अमन एक करके निकला है वहाँ से, तो फिर अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे रह सकते हैं। मगर अगर तालिबान ने किसी की बात ना मानी और तालिबान ने हमले करते रहे और फिर एक वक्त ऐसा आया